इंदिरानगर में पानी के निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिस कारण कई प्रकार के जानवर यहां पनप रहे हैं और लोगों के घर में घुस रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। रहवासियों की शिकायत के बाद भी लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो रही। दरअसल उज्जैन के आगर रोड पर बसे इंदिरानगर में इन दिनों लोग काफी परेशान हैं। परेशानी का कारण घरों में घुस रहे सांप हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर दिन यहां पर घरों में सांप निकल रहे हैं, साथ ही गंदगी भी इलाके में फैली हुई है। रहवासियों ने सभी आला अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक समस्याओं का कोई हल नहीं निकला। और यहाँ पर नाली नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, जितने चैम्बर हैं उसका बिल्कुल भी निकासी नहीं है चैम्बर की। कितने साल हो गए यहाँ पर, विधायक जी, महापौर जी को सबको हमने सूचना कर दी, ये तक कि हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत करी है और पार्षद को भी कई बार बोला है चैनल के माध्यम से, पर इसकी सुनवाई हमारी अभी तक नहीं हुई। कई बार हमने चक्का जाम भी करा इसके लिए, बरसात में इतना 3-4 फीट पानी भरा जाता है, पर इसका पानी का निकासी कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि रहवासियों की परेशानियों का हल हो पाता है या नहीं, या रहवासियों को यूं ही परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।